भारत के पूर्व स्पिनर हरभजन सिंह ने एशिया कप 2023 के लिए भारत की 17 सदस्यीय टीम से युजवेंद्र चहल को बाहर किए जाने पर सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि युजवेंद्र चहल को एशिया कप 2023 के लिए भारत की टीम में चुना नहीं गया था। कुलदीप यादव को चहल से ऊपर चुना गया, जबकि रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल टीम में दो स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर मौजूद हैं। विशेष रूप से वे सभी बाएं हाथ के स्पिनर हैं, चहल से विपरीत जो कि दाएं हाथ के स्पिनर हैं। हरभजन ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर कहा, मुझे लगता है कि टीम में एक चीज की कमी है, वो युजवेंद्र चहल की अनुपस्थिति है। एक लेग स्पिनर जो गेंद को टर्न करा सकता है। अगर आप जेन्युइन स्पिनर के बारे में बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में उनसे बेहतर कोई स्पिनर है वाइड बॉल फॉर्मेट्स में। हाँ, उनके पिछले कुछ गेम अच्छे नहीं थे, लेकिन ये उन्हें खराब गेंदबाज नहीं बनाता है। चहल के हालिया खराब प्रदर्शन के बावजूद हरभजन चहल की क्षमताओं पर कायम हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें एक खराब गेंदबाज के रूप में खारिज नहीं किया जाना चाहिए। वो टीम में चहल की मौजूदगी के महत्व पर जोर देते हैं, खासकर तब जब आगामी विश्व कप भारत में आयोजित किया जा रहा है। हरभजन को उम्मीद है कि चयनकर्ता चहल को टीम में शामिल करने पर पूर्ण विचार करेंगे, क्योंकि वो एक प्रूवन मैच विनर है। चहल के हालिया फॉर्म को स्वीकार करते हुए हरभजन का सुझाव है कि उन्हें आराम देना एक उचित निर्णय हो सकता है। हालांकि उनका मानना है कि टीम के साथ रहने से चहल का आत्मविश्वास बढ़ता और उन्हें अपनी फॉर्म बरकरार रखने में मदद मिलती। हरभजन का कहना है कि जब किसी खिलाड़ी को बाहर किया जाता है और फिर वापस टीम में लिया जाता है तो हमेशा अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव रहता है उस खिलाड़ी पर। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि टीम में उनकी मौजूदगी जरूरी थी। मुझे उम्मीद है कि उनके लिए दरवाजे बंद नहीं होंगे। विश्व कप के लिए उन पर विचार करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि टूर्नामेंट भारत में है। चहल एक प्रूवन मैच विनर है। मैं समझ सकता हूं कि उनका फॉर्म अच्छा नहीं है, इसलिए हो सकता है कि आपने उन्हें आराम दिया हो, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो टीम के साथ होते तो उनका आत्मविश्वास बरकरार रहता। जो भी खिलाड़ी बाहर होने के बाद वापस आता है उस पर अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव हमेशा रहता है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अनुभवी स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, दमदार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर और चहल का नाम लेते हुए कहा कि विश्व कप टीम के लिए अभी भी इन खिलाड़ियों के लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वर्ल्ड कप की टीम में चहल को जगह मिल पाती है या नहीं। स्पोर्ट्स तक ब्यूरो, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।